नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप प्रवृत्ति लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं सुमित शशांक जी जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। नई सरकार बनी है तो नई जिम्मेवारियां भी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर बिहार की तमाम चीजें जिनको लेकर भाजपा बड़ा जन आंदोलन कर रही थी, अब बड़ी चुनौती है। मंत्रियों ने अपने विभागों का प्रभार भी ले लिया है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, कई सारे सवाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बधाई, धन्यवाद। क्या लगता है फ्लोर टेस्ट पास कर जाएगा एनडीए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा से 2014 से आपने देखा होगा कि लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रोदय के लिए, ग्रामोदय के लिए और अंत्योदय के लिए काम करता है। जीत और हार से कहीं बढ़कर महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो आम व्यक्ति, मध्यम परिवार से आने वाले लोगों की सपने और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो लोग उनकी आंखों में जो जी बता रहे थे कि बिहार में क्या आप लोगों की प्राथमिकता है। देखिए, निश्चित रूप से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखों में जो सपने हैं, ये जो जंगल राज के समय में उनकी आंखों में जो आंसू दिया गया, उन आंसुओं को रोकना है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य। निश्चित ही जो भी पार्टी इस तरीके का कार्य करेगी, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बात करेगी, वो कभी हार सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, सरकारी नौकरियों की बात है, भाजपा जदयू की सरकार थी, उस प्रक्रिया शुरू हुई, जातीय जनगणना की बात कर लें तो आपकी पार्टी ने समर्थन किया, फिर राजद ये पूरा कैंपेनिंग क्यों चला रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में नौकरी मिली और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, तो भाजपा क्या करे? देखिए, जब किसी दल का गिरोहकरण कर दिया जाए, जब किसी दल को राजनीतिक दल से आगे बढ़कर गैंग में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसी प्रकार की चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं बिहार में नैतिकता की बात कौन करता है? नैतिकता की बात वो करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया, जिसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया। देखिए, पूरे देश में तीन सबसे बड़ा पलायन हुआ है, ये जानने की आवश्यकता है संपूर्ण बिहार की यशस्वी जनता है। एक, भारत के जब भारत माँ के टुकड़े होते हैं और भारत और पाकिस्तान बनता है तो सबसे बड़ा पलायन होता है। उसके बाद कश्मीर में कश्मीरी माताओं बहनों का पलायन होता है, कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन होता है। और तीसरा पलायन जो है वो लालू जी के नेतृत्व में बिहार में क्वालिटी ब्रेन ड्रेन को किया जाता है। जो कहीं ना कहीं एक कहावत है ना कि बिहार के लोगों के भविष्य के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य को समाप्त करने के लिए अंधों में काना राजा जो है, ये कहावत बिहार में चरितार्थ किया गया। राजनैतिक चेतना के रूप से अंधकार में रहेगा तो यहाँ पे राज कौन करे? अपराधी बेलगाम है और कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए वचनबद्धता के साथ एनडीए की सरकार ने काम किया। जब जब बिहार में एक दल राजद सत्ता में रहा तब तब आपने देखा होगा कि आपराधिक गतिविधियां कितनी बढ़ गई। जंगल राज पार्ट वन में नरसंहार और उसके बाद जब जब आपने देखा होगा कि जैसे ही ये दल वापिस आता है तो किस प्रकार से बिहार के प्रत्येक जिले में बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया जो है वो बेलगाम हो जाते हैं। ऐसी बेलगामी जो है निश्चित रूप से इंडिया में जिनकी संपत्तियां जब्त हुई हैं वो जदयू के एमएलसी हैं राधाचरण सेठ। एक बड़ा सवाल है कि करप्शन को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी जो है विपक्ष के लिए कर रही है, लेकिन राधाचरण सेठ तो सत्ता में है, फिर उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई बिहार में हो गई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, अगर वो गलत करता है तो निश्चय ही उसके ऊपर कार्यवाही होती है और यही तो राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य के उद्देश्य के साथ चलने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही तो सबके साथ और सबके विकास को दर्शाता है। और ये भी समझने की बात है कि ईडी में कौन से लोग आते हैं, जन सामान्य से परिवार से आने वाले जो लोग हैं वही तो नौकरी करते हैं ना, वही जब अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और एक अधिकारी वर्ग से जो लोग हैं वो अपनी कर्तव्य निष्ठा और
जो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भ्रष्टाचारियों की जो मंडली है उसके ऊपर आरोप लगाती है, ये भी समझने की बात है। एक तरफ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसकी जब जब भारत में सरकार आती है, आपने देखा होगा कि हम सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं। नदी जोड़ो परियोजना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए किसानों के लिए, हजारों हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं थी उसके संचय के लिए। ये तो 2024 में चुनाव है, आप लोग इस एजेंडे पे आएंगे। अब एक सीधा सवाल का जवाब दीजिए, नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी या बिहार के लिए जरूरी? देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सबके साथ सबके विकास और सबके सम्मान की बात होती है। भारत माँ की भूमि पर जिसका भी जन्म हुआ है, जो भारत को माँ मानता है, जो राम राज्य के उद्देश्य से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य में अपना उद्देश्य देखता है और भारत की यशस्वी जनता के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ को भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन जो भारत को मां नहीं मानते हैं, जो भारत को भूमि का टुकड़ा मानते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हैं, जो मदरसा में बैठने वाले जो लोग हैं वो बैठ करके वहां पर सनातन के ऊपर ज्ञान देते हैं, मदरसा में बैठ करके रामचरितमानस को विभ्रमित करने वाला बताते हैं, जो सनातन को पॉइजन बताते हैं दक्षिण भारत में बैठ करके, आए दिन सनातन एकता को खंडित करने के लिए अपमानित करने वाली बातें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग हैं तो उनका तो विरोध हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सबके साथ सबके विकास और सबके विकास की बात तब करते हैं जब सबके सम्मान की बात होती है, चाहे वो दलित आदिवासी उपेक्षित कोई भी व्यक्ति हो, जो तथाकथित रूप से जिन लोगों ने समाज को दलित और आदिवासी वर्ग में बांट दिया है। हम तो कहते हैं कि भारत के मस्तक का मुकुट है आदिवासी समाज, और ऐसे समाज के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत के। चलिए बिहार, आखिरी सवाल बिहार से लेते हैं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, जिस तरह से विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं और बिहारी चौधरी, उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है और जदयू में टूट की खबर है, क्या मानते हैं खेल होगा बिहार में? देखिए बिहार में गैंग कार्य कर रहे हैं, अफवाह गैंग, बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया, जैसे ही सत्ता में बैठा हुआ एक दल जो है उस समय के वर्तमान परिस्थिति में सत्ता में जो एक दल बैठा हुआ है उसके सत्ता से बाहर होते ही सबसे पहले अनाथ कौन हुआ? तो ये बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया अनाथ हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक कहावत है ना कि खसी खिसियाई बिल्ली खंभा नीचे, तो पूरा का पूरा गैंग मिलके इस प्रकार की प्रायोजित।